नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर्व जी जनता इथे जमलेली आहे संविधान बचाव अभियानाच्या माध्यमातून सर्वांना पहिले मी सलाम करतो, कारण जगामध्ये कुठेही युद्ध झालं पाहिजे नाही आणि कुठेही निष्पाप नागरिकांचा बळी कोणाच्या स्वार्थासाठी गेला नाही पाहिजे या विचारांचे आपण सगळे आहोत। आपल्यामध्ये आत्ताच के प्रकाशनजी आणि ॲडव्होकेट नोएल डाबरे सरांनी चांगल्यापैकी सर्वांना सांगितलेलं आहे की जगातली सध्या परिस्थिती काय आहे आणि आपण इथे सर्वजण कशासाठी जमलेलो आहोत, कारण जगात कुठेही कुठल्याही निष्पाप व्यक्तीचा जर का बळी जात असेल, त्याच्यावरती अन्याय अत्याचार होत असेल, तर आपल्याला रस्त्यावरती त्यांच्या समर्थनार्थ त्यांच्या साथीसाठी उभं राहिलंच पाहिजे। ही सुरुवात आहे जगभरामध्ये, जे आता सांगितलं आहे की फिलिस्तानी जनता, फिलिपीन्सची जी जनता आहे त्यांच्यावरती जो अमेरिकेला जो साम्राज्यवाद, अमेरिकेचा जो साम्राज्य तो त्यांना थोपायचा आहे, त्यासाठी जे हत्याकांड चालू आहे युद्धाच्या माध्यमातून ते थांबलं पाहिजे। आणि आपल्यामध्ये सर्व जाती धर्माचे सगळे नागरिक इथे उपस्थित आहेत आणि आपल्याला हे दाखवून द्यायचं आहे की आमचा भारत देश हा एकत्र आहे। भारत देश हा विविध जाती धर्मांनी नटलेला आहे आणि मोठी लोकशाही असलेला देश आहे। या देशाचे जे कोणी सध्या नेतृत्व करत आहेत हे हिंसाचाराला समर्थन करणारे आहेत, कारण भारतामध्ये पण मणिपूरसारख्या राज्यामध्ये जनतेवरती अत्याचार होत असताना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिथे दुर्लक्ष करत आहेत, किंबहुना त्यांनीच तो अत्याचार हिंसाचार घडवून आणलेला आहे। आणि असे अत्याचार आणि हिंसाचाराला समर्थन करणारे हे जे देशाचे पंतप्रधान मोदी आहेत त्यांचा मी इथे जाहीर निषेध करतो आहे, कारण ह्या ज्या जागतिक लढाईमध्येही ते चुकीच्या दिशेने भारताची बाजू मांडायचा प्रयत्न करत आहेत। आम्ही सर्व त्यांचा इथे जाहीर निषेध करतो आणि पुन्हा एकदा उपस्थित सर्वांचे मी इथे अभिनंदन करतो आणि सातत्याने आपल्याला या पद्धतीने रस्त्यावरती उतरून निदर्शनं करायची आहेत की आम्ही चुकीच्या बाजूने नाही आहोत, आम्ही ज्यांच्यावरती अन्याय होतो त्यांच्यासाठी रस्त्यावरती उतरणार। भाई सामने बोला, भाई हम पहले इंसान है, हमें इंसानियत के साथ खड़ा होना है। आज जब इतिहास से पूछेगा कि जब कौनसी संस्कृति और गांधी संस्कृति की लड़ाई चल रही थी पूरी दुनिया में, तो आप किसके साथ खड़े थे? मुझे बहुत गर्व है कि मैं द्रोड़से संस्कृति के साथ खड़ा नहीं हूँ, मैं गांधी जी की संस्कृति के साथ खड़ा हूँ। दोस्तों यूएन में सीज फायर का, जैसे कि प्रकाश सिंह साहब ने बताया, सीज फायर का बिल पास हो चुका है, मगर इतने छिट्टू लोग हैं ये अमेरिका और इसराइल की सीज फायर को नहीं मानेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। यूएन में जो 120 लोगों ने सीज फायर के लिए जो वोट दिया है उससे पता चलता है कि मानवतावादी लोग अभी भी ज्यादा है, मानवतावादी दुनिया में ज्यादा है, लेकिन जिनके अपने हथियारों पर चिंता करना है दोस्तों, जिनकी रोजी रोटी हथियार पे चलती है, मिसाइल बेचने पे चलती है, वो तो कभी मानवतावादी को जितने नहीं देंगे। दोस्तों आप सभी के हिम्मत से मैं सलाम करता हूँ। आप लोगों एक गरीब देश के साथ रहे हो, क्रिश्चियन के साथ रहे हो, आप चाहिए यूट्यूब पर देखिए, आप क्रिश्चियन का नक्शा नहीं बना पाएंगे, क्रिश्चियन के नक्शे से मिटा दिया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी हार है, गांधीवादियों की हार है और गौरतवादियों की जीत है। दोस्तों मैं इसको हिंदुस्तान से भी जोड़ना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जान बूझ कर एक कानून के तहत कट्टर सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। कट्टर सोच को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है ताकि नफरत के बीज खूब बोए जाए, नफरत की खेती खूब की जाए, नफरत की फैक्ट्री खूब उगाई जाए और तब तक जाके बीजेपी और मोदी की सरकार जो है इनकी राजनीति चालू रहेगी। दोस्तों यदि हमको इनसे लड़ना है तो कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है, हमें शांति के साथ काम करना है, हमें भाईचारे के साथ काम करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। दोस्तों सिंगापुर में ली कुयान ने क्या किया, जैसे उसकी देश की जनसंख्या थी, जनसंख्या का जो अनुपात था उन्होंने रूल्स बना दिया कि हर कॉलोनी में हर बिल्डिंग में उसी जनसंख्या के अनुपात में हर धर्म के लोगों
हिंदुओं को ही रहना पड़ेगा। उससे फायदा क्या हुआ? फायदा क्या होगा कि हिंदू को मुस्लिम के साथ रहने का आदत पड़ेगा, सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा एक दूसरे की, मुस्लिम को सिख के साथ, सिख को ईसाई के साथ सीखने समझने मिलेगा। मगर आज क्या हो रहा है, अलग अलग कॉलोनियां बनाई जा रही है। सादिक भाई से भी हम बात किया, गुजरात में अलग अलग कॉलोनी बना दी गई है धर्म के नाम से। तो क्या हो रहा है दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसराइल फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसकी शुरुआत भारत में भी हो चुकी है। हम एक बहुत लंबी लड़ाई का हिस्सा है दोस्तों। जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो जरूर आइए, आप सबके आने से सभी का हौसला बुलंद होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में चल दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन कीजिए, चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।